अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है मर्सिडीज C180 एक्सक्लूसिव 2020 मॉडल। ये मर्सिडीज सी क्लास की फोर्थ जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है। प्री फेसलिफ्ट कार इस तरह की दिखती थी और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की लुक इस तरह की हो गई। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई हैं, बम्पर चेंज कर दिए गए हैं, टेल लाइट चेंज की गई हैं और इसके इंटीरियर के अंदर भी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं जो कि सब कुछ मैं इस रिव्यू में कवर करूंगा। और स्पेसिफिक कार की डिमांड 2 करोड़ 30 लाख रुपए है। मर्सिडीज सी क्लास की फोर्थ जनरेशन जो है ये तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ तक के बीच में रेंज करती है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ईयर एंड कंडीशन। ये स्पेसिफिक कार एक्सक्लूसिव वर्जन है तो ये कोई इतना अग्रेसिव नहीं है फ्रंट से। दिस कार इज मोर ऑफ अ एलिगेंट वन। इसमें AMG वर्जन भी आता है, उस गाड़ी की लुक कंपैरेटिवली इससे बहुत अग्रेसिव होती हैं और उसमें मर्सिडीज का साइन ग्रिल में आता है। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 2 करोड़ 30 लाख रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोड स्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोड स्पोर्ट्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है www.cyclemodesports.pk। साइकिल मोड स्पोर्ट्स पे न्यू एंड यूज कार्स की काफ़ी यूज वैरायटी अवेलेबल है और यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किया जाता है। यहाँ पे गाड़ियों के हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, फेसलिफ्ट, रिम्स, ओवर फेंडर्स, बम्पर्स वगैरह सारा कुछ अवेलेबल है और फिर यहाँ पे पेंट बूथ की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आपने अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवाना है आप साइकिल मोड स्पोर्ट से करवा सकते हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये मर्सिडीज सी क्लास की फोर्थ जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि फेसलिफ्टेड वर्जन है और फेसलिफ्ट में इसकी लुक मेरे ख्याल से पहले से बहुत बेहतर हो गई है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स अब LED में आती हैं जो कि पहले सिंपल सी थी प्रोफेशनल लैंप वाली और इसमें DRL का डिज़ाइन कुछ वैसा ही है पहले जैसा। बाकी ये क्योंकि इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव वर्जन है तो इसमें जो मर्सिडीज का एम्बलम है ये बोनट के अंदर दिया गया है और यहाँ पे इसकी ग्रिल सिंपल सी आती है जबकि इसके AMG वर्जन के अंदर मर्सिडीज का एम्बलम ग्रिल के अंदर आता है। इसका बम्पर काफ़ी एलिगेंट सा है, इसमें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं फ्रंट पे और इसमें हेडलाइट्स और विंडशील्ड वाइपर्स ऑटोमेटिक आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। सी क्लास होते हुए भी इस गाड़ी का फ्रंट एंड काफ़ी मैसिव है। सी क्लास बेसिकली मर्सिडीज के लाइनअप में एक एंट्री लेवल कार होती है। पाकिस्तान में ये बेसिकली मर्सिडीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे ऊपर जाती है पर बाकी क्लासेस CES। इसके साथ की ई क्लास भी काफ़ी अग्रेसिव है लुक्स के लिहाज से, उसका रिव्यू मैं जल्द ही करूँगा। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है। इसमें यहाँ पे काफ़ी लाइट सी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि फ्रंट से रेयर फ्रंट से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा रिम भी एक्सक्लूसिव वर्जन के अंदर काफ़ी सिंपल से आते हैं। इसके AMG वर्जन के अंदर रिम इससे बड़े भी आते होते हैं। इस गाड़ी में एक C63 वर्जन भी आता है, वो गाड़ी ऑल टुगेदर एक मॉन्स्टर होती है और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड में रिट्रेक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, ये ऑटो फोल्ड भी होते हैं और इनमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी में सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक अच्छी कार में आनी चाहिए जैसे कि सॉफ्ट अनलॉक वगैरह, यहाँ से आप इस गाड़ी का लॉक अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन मर्सिडीज़ में ये क्रोम की फ्रिल्स जो हैं विंडोज़ के आसपास ये बहुत थिक दी गई हैं, ये अच्छी खासी मोटी सारी क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है और बीइंग अ मर्सिडीज़ इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं ये भी डबल ग्लेस आती हैं। इसकी विंडोज़ के जो शीशा है इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली आम गाड़ी से डबल होती है। इसके बारे में आगे बात करूंगा डिटेल में। और इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है। ये कार क्योंकि ब्लैक कलर में है तो ये इसके कलर के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रही है। अगर ये गाड़ी किसी और कलर में हो, वाइट में, सिल्वर में, ग्रे में, तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। और इसके अलावा इस गाड़ी का रियर एंड एज इट इज़ एस क्लास जैसा है जो कि 2016-17 में आती थी। इसकी टेल लाइट्स, इसके बम्पर्स वगैरह, ओवरऑल लुक इसकी काफ़ी हद तक एस क्लास जैसी है और ये भी बैक से जाकर एकदम से ही ख़त्म हो जाती है। एस क्लास में भी ऐसे ही था, सेम गोज़ फॉर दिस कार। ये गाड़ी बैक से आगे एकदम से यूं हो जाती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर लुक की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है। इस पर स्वीपिंग लाइन्स दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो एक चेंज किया गया है फेसलिफ्ट में वो है इस गाड़ी की टेल लाइट्स। इसकी टेल लाइट्स के डिज़ाइन सेम ही है लेकिन इसके अंदर जो नियॉन्स हैं ये अब डिफरेंट आती हैं। इसके अंदर ये LED बार्स कंटिन्यू करते हैं और इसके अलावा यहाँ पे खास चेंजेस नहीं है। ये क्योंकि इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव वर्जन है तो इसका रियर एंड काफ़ी सिंपल सा है। AMG वर्जन के अंदर बैक थोड़ी एग्रेसिव आती है। इसके बैक पे बम्पर में डिफ्यूजर दिया गया है और इसके अंदर एग्जॉस्ट टिप्स हैं जो कि फंक्शनल नहीं है। और इस गाड़ी में आप एट अ टाइम एक तरफ की भी पार्किंग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ट्रंक पे ये काफ़ी बड़ी क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है, बैक पे पार्किंग सेंसर आते हैं और इसके अलावा इसमें काफ़ी बड़ा LED बार दिया गया है ब्रेक के लिए। बाकी इसमें रेड सनशेड आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। ट्रंक को लॉक करने के लिए ये 4 बटन दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया है। इसका ट्रंक ऑल द वे अप जाता है और इसकी ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है 5 लोगों के लगेज के लिए। इस नीचे दिखे लुक को उठा के आप इस गाड़ी का एक ट्रे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर किट आती है लेकिन स्पेयर व्हील नहीं आता, आप लेके रख सकते हैं बट इसमें आता नहीं है। बाकी यहाँ पे फर्स्ट एड किट दी गई है मर्सिडीज़ की और उसके अलावा इस गाड़ी के रियर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं। यहाँ पे दिए गए लैचेस से आप इनको अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर इंसुलेशन आती है, हैजर्ड साइन आता है, ये सारी वो चीज़ें जो कि हर मर्सिडीज़ में आती होती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इसी क्लास का 2020 वाला इंटीरियर है जो कि कंपैरेटिवली पिछली बारी प्री फेसलिफ्ट कार से थोड़ा बेहतर है। इस तरह से कि अब इस गाड़ी का मीटर फुल स्क्रीन में आता है। ई क्लास में इस तरह का मीटर आ रहा है इसी जनरेशन में जो कि मैं रिव्यू कर चुका हूँ AMG वर्जन और डिजाइनर एडिशन भी एक शोरूम पे खड़ी हुई है, उसका रिव्यू भी आपको जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। AMG वाली कार का आपने रिव्यू देखना है तो आप इस कार में देख सकते हैं।
खैर मेंटेनेंस गाड़ी में भी काफी हद तक वैसा ही दिया गया है और इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी चेंज कर दिया गया है। बाकी इस गाड़ी का डैशबोर्ड बेसिकली वैसा ही है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3-स्पोक है और इसकी लुक्स मेरे ख्याल से बड़ी मजे की है। इसमें जो मोस्टली कंट्रोल्स हैं ये टच में दिए गए हैं। इसमें ब्लैकबेरी की तरह के सेंटर में दो ट्रैक पैड्स आते हैं। लेफ्ट वाले ट्रैक पैड से आप इस गाड़ी के मल्टीपल सेक्शन को इसे नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस, और राइट वाले ट्रैक पैड से आप इस गाड़ी के मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से, और इसके मीटर के थीम्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मीटर बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल है जिसकी बात मैं भी डिटेल में करूँगा आगे। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल दिए गए हैं और राइट पे क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी मदद की चीज़ है। और उसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बड़ा मज़ेदार है। इस तरह से कि ये पूरी ही स्क्रीन है, इसमें 2 मेन डायल दिए गए हैं जो कि बहुत हद तक कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। अगर मैंने इसका लेफ्ट वाला डायल चेंज करना है तो मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं इसको स्क्रॉल करके चेंज कर सकता हूं। सेम गोज फॉर राइट वाला डायल, इसको भी मैं इस तरह से ही चेंज कर सकता हूं। बाकी इसी तरह सेंटर में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा ड्राइविंग मोड के साथ भी चेंज होता है। तो ये पूरी स्क्रीन है। ई क्लास में ये थोड़ी बड़ी आती है, एस क्लास में ये बहुत बड़ी आती है, सी में छोटी सी दी गई है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है। इसके बीच में स्टिचिंग कंटिन्यू करती हैं जो कि डेफिनेटली इसको एक अच्छी लुक देती हैं। और इसके अलावा इसका डैशबोर्ड थोड़ा छोटा सा है, ई क्लास में थोड़ा मैसिव आता है, एस क्लास में ये बहुत ह्यूज है। और इसके अलावा इसमें डैशबोर्ड में ऊपर एक स्पीकर भी दिया गया है यहाँ पर। इस गाड़ी में साउंड सिस्टम बर्डमास्टर का है जो कि 3D साउंड सिस्टम है और एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। उसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन की तो ये स्क्रीन इसके फेसलिफ्ट में बड़ी कर दी गई है। प्री फेसलिफ्ट कार में थोड़ी छोटी आती थी। इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स आते हैं और ये है भी टच में। इसमें एंड्रॉइड ऑटो भी आता है, एप्पल कारप्ले भी आता है, ब्लूटूथ नेविगेशन, USB, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। उससे नीचे इसके एयरबैग्स दिए गए हैं। एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर टोटल 9 आते हैं, 5 डैशबोर्ड में, 2 रियर पैसेंजर्स के लिए और फिर 2 रियर पैसेंजर्स के पाँव पर। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़े की चीज़ है। इन एयरबैग्स को अगर आप सेंटर में लेके जाते हैं तो ये एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपको बताती है कि ये सेंटर में आ गए हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा टच है मर्सिडीज़ की तरफ से। और उससे नीचे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। एस क्लास में भी कुछ ऐसा ही क्लाइमेट कंट्रोल आता था। उससे नीचे इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल दिए गए हैं और सेंटर में एक एस क्लास जैसी क्लॉक दी गई है। उसके साथ एक हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है हेडलाइट के साथ। उससे पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और एक एशट्रे दी गई है। और इसका ये सारा ही पैनल वुड की फिनिश में है। AMG वाली कार के अंदर ये मैट में आता है, इसमें ये वुड में आया हुआ है। और प्री फेसिलिफ्ट कार के अंदर भी इसकी लुक्स कुछ ऐसी ही थी। उससे पीछे ये इस गाड़ी का ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस, और ये आपको हैप्टिक फीडबैक से बताता भी है कि आपका कर्सर कहाँ फिर रहा है। उसके साथ नीचे एक स्क्रॉल व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन यह इसको आप जितना मर्जी घुमा लें ये घूमता जाता है। एस क्लास में एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। अगर यहाँ मेन्यूज एंड हो गए हैं तो ये भी लॉक हो जाएगा, बट इस कार में ऐसा नहीं है। उसके साथ यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड इस गाड़ी में टोटल 5 आते हैं, इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट, इको और फिर स्पोर्ट प्लस। इन सारे मोड्स के साथ इस गाड़ी का एमोलेड डिस्प्ले भी चेंज होता है और यहाँ पे मल्टीमीडिया स्क्रीन के अंदर भी इसकी एनिमेशन आती है। साथ ही यहाँ पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। इस गाड़ी के पार्किंग कैमरास का बटन दिया गया है। इस गाड़ी में कैमरास 4 आते हैं एक्सटीरियर पे, 360 डिग्री कैमरास जो कि आपको यहाँ पे उनका व्यू देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉइल लिंक दिया गया है, इसको ऑफ करने का बटन दिया गया है यहाँ पर, और एक और कंट्रोल दिया गया है जो कि बड़ी मजे की चीज़ है, रियर सन शेड का। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सन शेड भी आता है बैक पे जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। उससे पीछे इसके सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है, इसका हुड स्प्लिट में ओपन होता है और यहाँ पे बहुत सारे चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं। यहाँ से आप USB कनेक्ट भी कर सकते हैं इसके साथ और यहाँ से अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं आप। फिर आपने अगर SD कार्ड वगैरह डालना है तो वो भी यहीं पर डलेगा। इसके अंदर अल्कंटारा दिया गया है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं इसके अलावा। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इसकी लेदर की फिनिश में है और ये परफोरेटेड हैं। प्लस इसकी ड्राइवर पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के और फीचर्स की तो इसमें कैबिन लाइट्स बहुत सारी दी गई हैं। यहाँ पे 5 कैबिन लाइट्स दी गई हैं और फिर इसकी रीडिंग लाइट्स भी आती हैं यहाँ पे रियर व्यू मिरर के नीचे, तो अगेन मेरे ख्याल से ये बड़ी मजे की चीज़ है। फिर इसके फ्रंट पे वैनिटी मिरर के अंदर भी ऑटोमेटिक लाइट आती है। तो कुल मिलाकर इसके यहाँ पे लाइट दी गई है, यहाँ पे दी गई हैं, रियर व्यू मिरर के नीचे दी गई हैं। इसके डोर्स में एम्बियर लाइटिंग आती है, फुटवेल में लाइट्स आती हैं और उसके बाद बैक पे भी बहुत सारी लाइट्स हैं। तो लाइट्स पे मर्सिडीज़ ने कहीं कसर नहीं छोड़ी। और इसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि पैनोरामिक रूफ दी गई है तो उसका यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और ये पैनोरामिक रूफ है भी स्प्लिट, फ्रंट के लिए अलहदा, पीछे के लिए अलहदा, लेकिन ओपन इसका सिर्फ आगे वाला पोर्शन होता है। बाकी साउंड सिस्टम इस गाड़ी में बर्डमास्टर का आता है जो कि प्रीमियम साउंड सिस्टम है। ये स्टैंडर्ड नहीं आता, आप एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं और इस गाड़ी में लिया गया है। और इसके अलावा इसके डोर्स में भी एम्बियर लाइटिंग दी गई है।
इसमें गियर सेलेक्टर यहाँ पे नहीं आता बल्कि स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। अगर बात की जाए इस गाड़ी में रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आने को आ जाएगा लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि बैक पे इसमें बहुत बड़ा हम दिया गया है रियर पैसेंजर्स का, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। बाकी बैक पे यहाँ पे दो लोग काफ़ी आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पे अमेनिटीज बहुत सारी दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे सेंटर कंसोल के पीछे दो एयरमैट्स दिए गए हैं, इनको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे एक ड्रॉर दी गई है जिसको ओपन करके आप इसमें से दो चार्जिंग आउटलेट एक्सेस कर सकते हैं 5 वोल्ट के, और साथ एक सिगरेट लाइटर भी दिया गया है। अगेन मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे बर्मास्टर के स्पीकर दिए गए हैं और रेयर सनशेड्स भी आते हैं। जो डोर्स के सनशेड हैं ये मैनुअली ऑपरेटेड हैं, इनको आप इस तरह से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक रेयर सनशेड भी आता है जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड है। बाकी बैग पे यहाँ पे एयर बैग्स भी दिए गए हैं और सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से दो कप होल्डर्स भी एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा यहाँ पे एक इसमें ड्रॉर दी गई है, इसके बीच में कटहरा भी दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे रीडिंग लाइट्स भी आती हैं बैग पे डोर हैंडल्स के अंदर, तो अगेन मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ऊपर यहाँ पर पैनोरामिक रूफ भी दी गई है, तो रेयर पैसेंजर का रूम भी इसमें काफ़ी मददगार है। बाकी इसमें ऐसे फिक्स पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, ये सीट स्प्लिट में हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये मर्सिडीज C180 है लेकिन इसमें इंजन 1600 cc आता है। 180 बेसिकली लोग समझते हैं 1800 cc होगी लेकिन ये 1.6 है और ये इंजन टर्बोचार्ज्ड है। ये गाड़ी कंबाइंड 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि ठीक है इस बड़ी साइज के लिहाज से, और इसका टॉर्क अच्छा है जो कि 250 न्यूटन मीटर है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन भी CVT आती है और इसका बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी एवरेज अनबिलीवेबल देती है। वेलोसिटी ये गाड़ी आपको 15 तक की एवरेज भी दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है। ये एवरेज यूजली 1300 cc गाड़ियों की होती है सिटी वगैरह की, बट ये कार भी आपको दे सकती है अगर आप इस पर हल्का पाँव रखें। लॉन्ग पर ये गाड़ी 17-18 भी चली जाती है, अगेन अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाएंगे तो। एवरेज के लिहाज से गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, परफॉर्मेंस गाड़ियों की ऑलरेडी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पार्ट्स थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक जर्मन कार है और उसमें पार्ट्स जर्मन डलते हैं, तो इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा है। बट ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छा पैकेज है डे टू डे यूज़ के लिए। और इसमें जो एल्युमिनियम यूज़ किया गया है इसका ग्रेड बेटर है पहले से, तो ये गाड़ी पिछले जनरेशन से 100 kg हल्की है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की हर चीज़ दी गई है जो कि इस राइड को काफ़ी कंफर्टेबल बनाती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो है स्पेसिफिक कार में यह है 225, 50 और 17। इस गाड़ी में 17 इंच का रिम लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सिंपल सा है। ये एक्सक्लूसिव वर्जन है तो इसमें रिम इस तरह का आता है। इसके AMG वर्जन के अंदर रिम थोड़े एग्रेसिव आते हैं, और उसके बाद अगर आप C63 वगैरह की तरफ जाएँ तो उनमें रिम 20-20 इंच के भी आते हैं। खैर ये टायर बिल्कुल बेसिक सा है ट्यूरेंजा, और ये गाड़ी आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक के काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करेगी। ये टायर भी जर्मन ही है, और इसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग सस्पेंशन नहीं आता लेकिन ABS आती है, स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी ड्राइविंग को बहुत अच्छा बनाती हैं। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट पे भी और बैक पे भी डिस्क ब्रेक दी गई हैं, यानी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे मर्सिडीज़ का लोगो दिया हुआ है, लॉक अनलॉक का ट्रंक लीफ है, बाकी ये बिल्कुल बेसिक सी है। ये था आज का रिव्यू, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।